हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 46 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी किस तरीके से की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें डिटेल में बात करते हैं और मेरी ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो भी गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छुएगा और परिरुद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिक्षा में समर्पित ना कर दिया हो, जब तक उसने सरेंडर ना कर दिया हो, खुद जाने को तैयार ना हो गया हो, तब तक क्या है, कोई पुलिस अधिकारी क्या है, उसके शरीर को छू सकता है, उसे कहते हैं परिरुद्ध कर सकता है। समझते हैं। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम सेल एक्चुअली टच एंड कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर बी ए सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड एंड एक्शन। नेक्स्ट आता है, परंतु जहां किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है, वहां तब तक की परिस्थितियों में इसके विपरीत क्या है दिखता ना हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्थन कर देने की अवधारणा की जाएगी। यानी कि अगर किसी लेडीज को क्या है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उससे कहा जाएगा कि आप मेरे साथ चलिए, और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित ना हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। यानी कि अगर जो लेडीज कहते हैं गिरफ्तार की जानी है, तो कोई लेडीज कांस्टेबल यानी कि महिला ही होनी चाहिए ऑफिसर, जो कि उसे गिरफ्तार कर सकती है, अदरवाइज वह उसकी बॉडी को नहीं छू सकता। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए वुमेन इज टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कंट्रेरी हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन An oral intimation to arrest shall be presumed and unless the circumstances otherwise required or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest. Next बात करते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने का प्रयास का प्रतिरोध करता है, मना करता है जाने से, या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रिस्ट्रिक्ट एंड इन एवडेवर टू अरेस्ट हिम एंड अटेम्प्ट टू एडेप्ट द अरेस्ट सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल द मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। यानी कि वे सब साधनों का उपयोग कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति बचने का क्या है काम करता है। इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती। तो ये सेक्शन जो है, यह क्या है, जिस वह व्यक्ति ऐसा है, वह जो अपराधी है या जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है, वह ऐसा व्यक्ति है जिसने मृत्यु या आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या है, जो अपराध किया है, जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसका अपराध किया है तो नहीं किया है। अगर अपराध नहीं किया है तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है वह उसकी डेथ जो है नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, जो कि है अदर सर्कमस्टांसेस को छोड़कर, कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्यास्त के पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां स्त्री पुरुष अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। तो ये सारा कुछ बताया गया है सेक्शन 46 में कि गिरफ्तारी किस तरीके से की जाएगी। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।